जय हिंद जवाहर दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए हैं। अपने फेवरेट चैप्टर जर्नल के अब हमें समझ में आना ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। अब सर हाथ मत छोड़ना और साथ मत छोड़ना, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। अरुण गोविल एंड कंपनी, बेसिकली इसके आगे कंपनी लिखने से कंपनी नहीं हो जाती है। कंपनी होने के लिए या तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए पीछे दोस्त, या लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। इट इज नॉट अ कंपनी, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। 2022 जून 1 को अरुण गोविल एंड कंपनी ने पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। सर बैंक में क्यों लगा दी कैपिटल? लगा दी तो बिजनेस में बेटा। इसने पैसा बैंक में जमा कराया ये सोचकर कि हम लोग बिजनेस, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश होता था ना, ऐसे ही बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक के बैलेंस है। मतलब ये पैसा इन्होंने बैंक में रख दिया है, कैश जो है बैंक में रखा है। यानी सबका ये लोग पेमेंट स्कैनर से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करेंगे, आपका चेक से करेंगे, समझ रहे हो ना। यानी ये कैश को कम यूज करना चाहते हैं या ना यूज करना चाहते हैं। अरे रुको, भगवान राम कहां से आ गए इसमें। अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। चलो सबसे पहली एंट्री 2022 जून 1, पहले बनती थी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक आध क्वेश्चन में कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग ये सब डेबिट हुए थे और कैपिटल क्रेडिट हुए। यहां पर अमाउंट जो है बैंक के थ्रू, यानी पैसा जो है बैंक में डाल दिया हमने, लगाया तो बिजनेस में ही है। आगे वर्ड खुद लिख रहा है वो कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने रुपए लगा रहा है? 6 लाख रुपए। बिल्कुल सही, 6 लाख रुपीज। बिजनेस स्टार्टेड, या वही वाला नरेशन लिख सकते हो, ट्रांजेक्शन है विद बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 6 लाख एज कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया है 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। नेक्स्ट, जून 3, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लिस्ट प्राइस 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%। गुड्स मुकेश से खरीदे यानी उधार पर खरीदे, पैसे नहीं दिए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मुकेश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब 2 लाख में से 10% को माइनस कर दो, हमें दिख जरूर 2 लाख रहा है पर हम देखेंगे कितना, 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए। 2 लाख में से 10% को क्या कर देंगे दोस्त, माइनस कर देंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ट्रेड डिस्काउंट बेटा किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी काम नहीं है। 2 लाख का 10% गया, इट इज 1,80,000 रुपीज ओनली, 1,80,000। लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुकेश। सर ट्रेड डिस्काउंट का कोई काम नहीं है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट का कोई काम नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब ये उधार वाला क्रेडिट है, ये नहीं क्रेडिट हो गया मुकेश। जून 3 की बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, अबव मतलब जो भी 81 के खरीदे हैं, 2 लाख के तो है ही नहीं वो, रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अबव टू स्पेसिफिकेशन, मतलब हमारे अनुसार नहीं थे, ठीक है। हमने पिंक कलर का टॉप मंगाया था, उन्होंने ब्लू कलर का भेज दिया है, ठीक है। हमने ब्लैक कलर की जीन्स मंगाई थी, उन्होंने कॉफी कलर की भेज दी है, कुछ ऐसी दिक्कत है, मतलब हमारे हिसाब से गुड्स नहीं थे। हमने रसमलाई मंगाई थी, उन्होंने खीर मोहन भेज दिया है। 1,80,000 का 1/4 समझते हो, 1/4 45,000। ये गुड्स हमें क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। क्यों रिटर्न करने? क्योंकि हमारे लायक, हमारे काम के लिए नहीं है। तो मुकेश डेबिट हो जाएगा, मुकेश डेबिट हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। मुकेश डेबिट टू परचेजेस रिटर्न,
1,80,000 का 1/4, 45,000 रुपीज। यहाँ लिखेंगे जून 4, 4 जून की बात है। नेक्स्ट 6 जून इशूड अ चेक टू मुकेश। अरे भगवान जी आ रहे हैं बार बार आज तो, चलेट कर आ रहे हैं आज। इशूड अ चेक टू मुकेश मुकेश को हमने एक चेक दिया है फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एज कैश डिस्काउंट। सबसे पहले मुकेश से सामान कितने का खरीदा, कितने बच्चों को लगता है 2 लाख, कितने बच्चों को लगता है 1,80,000, बताओ जरा। सर हमें लगता है 1,80,000। चलो कितने बच्चों को पता है 45,000 का सामान वापस कर दिया, सर हमें पता है अपने भी तो एंट्री डाली है 1,35,000। इस 1,35,000 का 2% निकाल लो क्योंकि यही तो अमाउंट ड्यू है। सर हमने सामान खरीदा इतना सारा 2 लाख रुपए की एमआरपी वाला 1,80 में, फिर कुछ सामान रिटर्न कर दिया मुकेश, डेबिट द रिसीवर परचेज रिटर्न गुड्स गोज आउट। अब 1,35,000 का 2% जब हम करेंगे दैट इज 2,700 रुपीज, कितना आएगा 2,700। ये हमारा डिस्काउंट है। जब हम चेक देंगे इसको तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि चेक देते समय हमेशा एक ही चीज सोचनी है, पैसा गोज आउट, पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। मुकेश को डेबिट करेंगे, यहां गुड्स रिटर्न टू मुकेश लिखना जरूरी है, गुड्स रिटर्न टू मुकेश। यहां पर मुकेश को डेबिट करेंगे हम, बैंक को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे क्योंकि 2% जो डिस्काउंट मिला है ना बेटा वो हमारे लिए फायदा है, हमारे कम पैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए फायदा हो जाएगा। तो 1,35,000 का 2% 2,700, यहाँ आएगा 1,32,300, 1,32,300, दोनों को जोड़ेंगे तो मुकेश डेबिट हो जाएगा 1,35,000, 1,35,000। यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड टू मुकेश, अमाउंट पेड टू मुकेश 1,32,300 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700। डिस्काउंट कितना क्रेडिट करा हमने 2,700 का, 6 तारीख को, 7 तारीख को विदड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज। बच्चों को लगता है सर ऑफिस यूज वाला पैसा अगर विदड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी ड्राइंग्स में जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक पर्सनल वर्ड ना लिख दे या पर्सनल जैसी फीलिंग ना दे दे। सर फीलिंग कैसे देते हैं पर्सनल वाली, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, बच्चे के स्कूल की फीस, इनकम टैक्स, ये सब बेटा फीलिंग है ड्राइंग्स वाली, पर्सनल यूज वाली। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो बेसिकली अगर पैसा आप बैंक से निकालोगे, पैसा ही निकालोगे और बैंक से और क्या निकाल सकते हो, बैंक से गाय भैंसे दूध घी पनीर थोड़ी ना निकलेगा, पैसा निकलेगा। तो कैश को डेबिट कर रहे हो आप और क्रेडिट कर रहे हो बैंक को, ये तो पैसा आ गया ऑफिस यूज के लिए। और दूसरी एंट्री जो बनाओगे वो आएगा ड्राइंग्स टू बैंक, वो आएगा ड्राइंग्स टू बैंक। तो ये 2,50,000 वो है 10,000, चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट में लिख देते आप 260, नहीं कैश अकाउंट डेबिट में लिखते 250, ड्राइंग्स में लिखते 10,000 और बैंक में लिखते 260। या लिखेंगे विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बस सिंपल। ऑफिस यूज का मतलब समझ रहे हो ना, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना होगा, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना होगा या ऑफिस के लिए आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी होगी, सेम जून 7 को फिर दोबारा से क्या किया आपने, ड्राइंग्स टू बैंक। घर के लिए भी आप पैसा कहां से निकाल कर ले जा रहे हो, बैंक से। सर उसके लिए पैसा तो बैंक से जो निकला होगा कैश टू बैंक ही होगा ना, हाँ होगा तो बेटा कैश, पर फिर दोबारा आप ड्राइंग्स टू कैश एंट्री डालोगे तो कैश कैश आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर चीजें ज्यादा। वैसे ही मैंने डुअल एंट्री बना दी इसको, अगर वैसे एक ही बनती, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज
अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट किसके लिए विड्रॉ किया हमने? पर्सनल यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख को मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपीज की, बहुत बढ़िया बात है, खुशहाली की बात है। 5,000 रुपए स्पेंड करे उसकी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का गड्ढा वड्ढा खुदवा, जैसे एसी घर में देखो ना, तार वार आपस में सेट करवाना होता है, पाइप निकल कर जाता है, छत पर लगवाना है, एग्जॉस्ट या बाहर लगवाना, वो इंस्टॉलेशन बेटा प्रोसेस बोलते हैं। 5,000 रुपए लग रहा है, एसी के केस में 2,500 रुपए ले जाता है शायद हमसे। पेमेंट फॉर मशीनरी वॉज पेड बाई चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बट पेड इन कैश, मतलब मशीन तो हमने चेक देकर खरीदी है पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस कैश में पे करे हैं। तो 1,00,000 और 5,000, सबसे पहली बात बताओ कितने बच्चों को लगता है कि दोनों खर्चे, मशीन वाला भी और इंस्टॉलेशन वाला भी, दोनों के दोनों खर्चे मशीन की वजह से हो रहे हैं, ना मशीन खरीदते, इट इज नोन एज बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हमने कोई कैरेज भी पे करा होता, भाड़ा भी पे करा होता, कोई फ्रेट पे करा होता, इसको गाड़ी में रख के लाते या ट्रॉले में रख के लाते, ट्रक में रख के लाते, या बैलगाड़ी पर लेकर आते, या रिक्शा गाड़ी पर लेकर आते, ऑटो में लेकर आते, तो भी जो खर्चा होता वो मशीन का ही खर्चा होता। ऐसे केस में मशीन को ही डेबिट करेंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को बिल्कुल भी डेबिट नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बना रखी है 13 मिनट की, जो कि 11th 12th बीकॉम सीए सीएस सीएमए सभी बच्चों के लिए बढ़िया कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार आप उसे देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि मैंने क्यों मशीनरी के खाते में ये खर्चे डेबिट करे, मशीनरी के अकाउंट में क्यों डेबिट करे। अब जो चेक से पैसा जा रहा है उसके लिए बैंक क्रेडिट कर दो, और कैश में जो जा रहा है वो कैश क्रेडिट। ये अगर ये चेक से पेमेंट होता पूरा का पूरा तो टू बैंक होता, पूरा का पूरा कैश से पेमेंट होता तो टू कैश होता, और पेमेंट नहीं हो रहा होता तो किसी ना किसी का नाम आ रहा होता। मशीनरी टू बैंक टू कैश, समझ आ रहा है? 1,00,000 मशीन वाले को तो हमने बैंक में दिया है पैसे, चेक से दिया है, उसका पेटीएम नंबर था हमारे पास पर इसका नहीं था। नेक्स्ट, गुड सोल्ड 1,00,000 टू अमर, 1,00,000 रुपए का सामान बेचा हमने मिस्टर अमर को। कितने लोगों को ये एंट्री अब तक नहीं आती है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने बहुत बार सिखा रखी है भाई, सर अमर को सामान बिक रहा है, अमर डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा, अमर डेबिट टू सेल्स। अमर डेबिट होने के पीछे रीजन क्या है बोलो जरा मेरे को? सर डेबिट द रिसीवर, अमर इज द रिसीवर, हमने उसको सामान दिया, हु इज द रिसीवर? इसका मतलब सर हम क्रेडिट का गिवर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूल हमेशा पर्सनल वाला दूसरे आदमी इंसानों पर लगता है। चलिए, मशीनरी परचेज्ड रुपीज 1,00,000 एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक एंड कैश, ये लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो समझ आ दिया आपने, बाय चेक एंड कैश। ये तो इतना बेबुद्धू नहीं होगा, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो चेक की वजह से, और कैश क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, या सिंपल नरेशन एकदम, गुड्स सोल्ड टू अमर भैया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब ये नहीं है डेबिट हो गया इसलिए क्रेडिट, नहीं, ऑन क्रेडिट का मतलब हमने उधार पर सामान बेचा है, अमर भैया ने भी हमें पैसे नहीं दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अमर क्लियर हिज अकाउंट, क्लियर मतलब खत्म करा, अ चेक गिवन 98,500 का, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक, यू अमर से चेक लिया और यू बैंक में डाल दिया, क्या मुझे बताओ चेक इन एंड जैसी सिचुएशन बनेगी? मेरे हाथ में चेक आ ही नहीं पाया उससे पहले बैंक में डाल दिया मैंने, नहीं सर बैंक डेबिट होगा, अमर भैया क्रेडिट होंगे, क्योंकि पैसे कम दे रहे हैं इसलिए हमें नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस को डेबिट किया जाएगा। बोलो मेरे साथ, कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड? सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 98,500, 1,500, 1,00,000 से क्लियर हो गया इनका अकाउंट। जितने से डेबिट हुए थे अमर भैया उतने से हो गए क्रेडिट। ये कहानी थी जून 15 की, शायद देखते हैं चेक अमाउंट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर, अमर चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर 98,500 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम डे डिपॉजिट हुआ है इसलिए बेटा बैंक का है, नहीं तो यहां पर आता चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड इसलिए क्योंकि चेक कम का मिला है, और बंदा बोल रहा है मैंने क्लियर कर दिया, फुल सेटलमेंट जो भी है यही है,
15 जून को परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज, बच्चों के घर के लिए किताबें ले गया है प्रोपराइटर 3000 रुपए की। पर्सनल यूज आ गया, क्या आप इसे स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से डालोगे, क्या परचेजेस के नाम से डालोगे, या बेस्ट है ड्रॉइंग्स के नाम से डालोगे। सर ड्रॉइंग्स, इसके लिए ड्रॉइंग्स टू कैश, और जो ऑफिस के लिए लाया उसके लिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू कैश। एक के लिए ड्रॉइंग्स टू कैश बेटा, और एक के लिए ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू कैश। सर ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया गलती से तो क्या गलत हो जाएगा, होना तो चाहिए। अगर टीचर की नजर नहीं पड़ी या टीचर समझदार हुआ तो नंबर नहीं काटेगा। स्टेशनरी एक्सपेंस जो ऑफिस के लिए खरीदी है आपने, उसका अमाउंट था 5000। बच्चों की जो किताबें हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, बोतल, टिफिन बॉक्स, ये सब घर के लिए जो खरीदा है, ठीक है, बीवी मतलब मैडम के लिए डायरी, ठीक है, ग्रीटिंग्स कार्ड, जो जून 15 को आपने ये काम किया, जून 15 वैसे आज ही है, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा पर्सनल यूज की वजह से वर्ड आ रहा है ड्राइंग्स, और ऑफिस वाले के लिए आ रहा है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। कुछ नहीं लिखा होता था पर्सनल वगैरह तो हम स्टेशनरी एक्सपेंस को ही डेबिट करने वाले थे। चलिए 5000 3 8000 15। 20 जून को जमीन खरीदी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की जमीन का टुकड़ा खरीद लिया गांव में कहीं, पेड 1% एज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब दलाली, मतलब खर्चा, मतलब जमीन तभी मिलेगी जब दलाल को पैसे दोगे। 15000 के रजिस्ट्रेशन, जमीन तभी मिलेगी जब मोदी जी के पास कुछ जाएगा। सारा का सारा पैसा हमने चेक से पेमेंट किया, यानी 2 लाख भी डेबिट होंगे चेक से, 2 लाख का 1% कमीशन 20000 भी, और 15000 भी। सर अरे 2 लाख का 1% 2000 आएगा, 2 लाख का 1% 2000, 2 लाख प्लस 2000 प्लस 15000, 2,17,000 रुपीज की हमने क्या खरीद ली बेटा, जमीन खरीद ली। सारा का सारा पेमेंट चेक से दिया है। सर अलग अलग लिखेंगे, जमीन अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या सीधे के सीधे जमीन अकाउंट ही डेबिट होगी? बोलो, सीधे के सीधे जमीन ही डेबिट होगी। मैंने अभी अभी तो बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जमीन से होने वाले पहली बार के सारे खर्चे जमीन की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। अगर हम जमीन ही नहीं खरीद रहे होते तो ब्रोकरेज नहीं पे करते, जमीन ही नहीं खरीद रहे होते तो रजिस्ट्री नहीं कराते। यानी मशीन के खरीदने पर कैरेज इनवार्ड पे किया था आपने, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किया था, जमीन के खरीदने पर ब्रोकरेज। सभी के लिए मैंने प्यारी सी वीडियो बना रखी है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। एक बार देख लोगे तो मुझे पढ़ा दोगे यहाँ आकर, आपको मुझसे फिर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बेटा मजाक कर रहा हूँ, चलो नेक्स्ट। स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस 5000, एंड स्टेशनरी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल 3000। थोड़ा सा नरेशन में ना मेरे को ज्यादा मन नहीं करता है, यहाँ लिखेंगे जमीन परचेज्ड बाय चेक। सर अगर सारी इंफॉर्मेशन लिखना चाहे 2 लाख का ये 15000 का लिख सकते हो, मना नहीं है, जितना अच्छा लिखा पाओगे, मेरा मन नहीं करता नरेशन लिखने का। चलो लास्ट एंट्री रह गई है, वेजेस ड्यू टू लेबरर्स, जिसको हम लेबर समझते हैं ना बेटा, वो लेबरर्स होती है। लेबर तो वो होती है जो काम करती है, वो मतलब मेहनत को लेबर बोलते हैं, मेहनत करने वाले को लेबरर। और सैलरी ड्यू टू क्लर्क, वेजेस ड्यू टू लेबरर एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क। जून 20 के बाद दोस्त नेक्स्ट एंट्री आपकी जून 30 को, वेजेस ड्यू टू लेबरर्स। लेबरर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके लेबर जो काम करती है, ठीक है, हम उनको लेबर बोलते हैं। लेबर बेसिकली काम होता है, जो लेबर काम करती है लेबरर बोलते हैं, ठीक है। उनकी वेजेस ड्यू रहेगी, ड्यू मतलब अभी आपने पे नहीं करी है, वेजेस पेड होता तो वेजेस टू कैश होती है एंट्री, या वेजेस टू बैंक। सेम सैलरी रहेगी क्लर्क की 30000 रुपये, 20 इनका का पैसा और 30 इसका। तो ऐसे केस में दोस्त एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग, मैं पहले भी करा चुका हूँ उसको आपको। तो 30th को आप एंट्री डालोगे, 30 जून को वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, से वेजेस जो पे नहीं होती ना उसे वेजेस ड्यू बोलते हैं, वेजेस अनपेड बोलते हैं, वेजेस ड्यू टू लेबर 30000 हो गए। नेक्स्ट 30 जून सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये से, यहाँ लिखेंगे सैलरी ड्यू, मतलब जब भी कभी कोई खर्चा पे नहीं हो पाता उस खर्चे को डेबिट कर दो और उसके लाइबिलिटी को क्रिएट कर दो। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सैलरी ड्यू टू क्लर्क 20,000। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ एक बार। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट। सबसे पहले आपको ये बता दे रहा है टिम्बर मतलब लकड़ी का व्यापारी है ये। पुष्पा झुकेगा नहीं, सोला लकड़ी लिखा है, लड़की तो नहीं लिख दिया, लड़की का, लकड़ी का व्यापारी, ठीक है, मतलब लकड़ी का बेसिकली काम है। तो ये अगर टिम्बर खरीद रहा है तो परचेज टिम्बर, ये जो गुड्स वर्ड आता था ना आपको, गुड्स परचेज या परचेज गुड्स, उसके लिए गुड्स टिम्बर है। 2,000 रुपए का कैश में और 10,000 का क्रेडिट में खरीदा है कुलदीप कुमार से, यानी पैसा सामान लाया 12,000 का, 2,000 अभी दिया है और बाकी के पैसे बाद में लेकर आएगा। इसको बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 12,000। 12 क्यों, क्योंकि सामान खरीदा 2 का कैश में और बाकी का उधार में, 2 कैश और 2 कुलदीप। परचेजेस क्यों आ रहा है दोस्त, पता चल रहा है क्योंकि सर टिम्बर का व्यापारी है, इसके लिए गुड्स क्या है, टिम्बर मतलब लकड़ी। 2,000 रुपए तुरंत दिया है, पैसे कम हो गए और 10,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। 2 कुलदीप कुमार, अगर कुलदीप का नाम नहीं दिया होता तो मुझे क्रेडिटर लिखना पड़ता मजबूरी में। 2 कुलदीप कुमार, एंट्री में नंबर डेट तो है नहीं, फर्स्ट लिखते रहे बस। पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट 9,950, 9,950, 10,000 बनते थे सामने वाले के, आप उसे 9,950 दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, 50 रुपये का फायदा कर रहे हो या घाटा कर रहे हो? सर फायदा हो रहा है, क्योंकि पैसा देंगे और कम देंगे तो इसमें हमारा ही फायदा हो रहा है। पैसा देंगे और कम देंगे तो इसमें किसका फायदा है, हमारा ही फायदा है दोस्त। तो 9,950 से कैश क्रेडिट होगा, कुलदीप डेबिट होगा 10,000 रुपये से, और 50 रुपये का आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। क्या लिखेंगे, कुलदीप डेबिट, कुलदीप कुमार डेबिट, 2 कैश कितने रुपए से, कुलदीप कुमार को डेबिट करेंगे 10,000 से, कैश को क्रेडिट करेंगे 9,950 से, बाकी का आ जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। नरेशन लिख लेना, गुड्स परचेज फ्रॉम कुलदीप कुमार इन कैश और क्रेडिट, पेड रेंट इन एडवांस, हमें पहले से ही पता हुआ है कि रेंट जो पे किया वो एडवांस है, इसकी एंट्री प्रीपेड रेंट टू कैश भी बन सकती है डायरेक्ट, या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और फिर प्रीपेड रेंट टू रेंट, दोनों में से एक, दोनों तरीके हैं दोस्त। पहले से ही पता हुआ है कि रेंट जो है प्रीपेड है, एडवांस में पे कर रहा हूँ, तो 10,000 रुपये प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर इसको हमें एडजस्टेड करना होता कि रेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीपेड रेंट, या रेंट अकाउंट रेंट को ट्रांसफर करना है प्रीपेड रेंट में, तो हम एंट्री बनाते प्रीपेड रेंट टू रेंट। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,00,000 बाई चेक, कैरेज पे किया 2,000 रुपये, इंस्टॉलेशन पे करिए 1,000 रुपये, तो कैरेज और इंस्टॉलेशन को कैश में पे किया है लिखा हुआ है जैसा ऊपर आया था अभी, और 1,00,000 की मशीनरी चेक से खरीदी है। बेसिकली ये सारे खर्चे मशीनरी के में जुड़ जाएंगे, इंस्टॉलेशन हुआ, कैरेज हुआ, फर्स्ट टाइम वाले सारे खर्चे काय में जुड़ जाते हैं उस एसेट की कॉस्ट में। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बता रखी है कौन सी करेंगे हम, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, 11th में पढ़ोगे और बीकॉम एमकॉम तक काम आएगी आपको। ना अलग से कैरेज डेबिट होगा ना इंस्टॉलेशन, बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट कैपिटल में घुस जाएंगे सारे। तो मशीनरी का जो पैसा आपने चेक से पे किया है वो बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, और जो इंस्टॉलेशन कैरेज का कैश में पे किया है वो कैश में क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000। यहाँ बेसिकली एक एंट्री नहीं है दोस्त, दो एंट्री है। पहले परचेज करो गोविंद से, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद कितने रुपए से, 50,000 रुपए से।
परचेजेस अकाउंट डेबिट सामान खरीदा किससे? गोविंद से 50,000 का, और बेचा किसको? मनोहर को। सर 65,000 रुपये में बेचा हमने, तो 15,000 कहाँ जाएंगे? अरे 15,000 छुपे हुए हैं बेटा, 15,000 सेल्स अकाउंट में, 65,000। ठीक है, आप महंगाई तो बेचते हो सामान, उसको बताओगे तो नहीं ना मनोहर को, नहीं 50 का सामान 65 बेच रहा हूँ, 50 का खरीदा किससे? गोविंद से। यानी ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, यहाँ तक एक एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद, अलग अलग करते हुए 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में, या गुड सोल्ड टू मनोहर 65,000। जब अलग अलग होती तब सोचते क्या इतना? नहीं सोचते, इसलिए कंफ्यूज मत हो, 15,000 कहीं नहीं आएंगे, 50,000 से परचेज टू गोविंद और 65,000 से मनोहर टू सेल्स, क्योंकि गुड्स हमेशा महंगे बिकते हैं। 50 के खरीदे 65, 70, 75, अगर बोलता 20% प्रॉफिट पर तो 50 और 20% प्रॉफिट जोड़ देते 10,000, अगर बोलता 30% प्रॉफिट पर 65,000, 40% प्रॉफिट 70,000, इस तरह आप वैल्यू निकालते। क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, बीएफपी ऑलवेज, और व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ मैं ड्रॉप करता हुआ जा रहा हूँ, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, 7906786321।